सब्सक्राइब कीजिए बाय स्टडी विथ निखिल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सो आई फ्रेंड्स वेलकम टू बायो स्टडी विध निखिल यूट्यूब चैनल वी लर्न बायोलॉजी इन सिंपल वे सो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे ऑफ क्लास नाइन्थ साइंस का ठीक है तो चैप्टर नंबर हम फोर देख रहे जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ मैटर तो इसका पार्ट थ्री अभी हम देख रहे हैं ठीक है तो इसका पार्ट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वो मिल जाएगा क्लास नाइन साइंस ऐसे चैनल की प्लेलिस्ट लिस्ट मिलेगी जिसके अंदर आपको सभी पार्ट्स मिल जाएंगे इस चैप्टर के एंड अदर चैप्टर्स भी वहाँ पर आपको मिलेंगे उस चैप्टर के वीडियोज़ ठीक है तो चैप्टर नंबर हम फोर देख रहे हैं पार्ट इसका थ्री है तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी हिट करो ताकि जब भी हम फ्यूचर में न्यू वीडियो डालेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसके साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट है क्लास नाइन साइंस रिलेटेड तो आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो मैं आपका जो डाउट है वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा ठीक है उसके साथ ही साथ आप जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो सो so, ये है हमारा पार्ट थ्री ऑफ चैप्टर फोर मेजरमेंट ऑफ मैटर इसको अभी स्टार्ट करते हैं तो so, देखो इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है इसके अंदर जो हमारा पार्ट थ्री इसके अंदर हम पढ़ेंगे केमिकल सिंबॉल ऑफ एलिमेंट सो इलेमेंट है मोर देन वन हंड्रेड एंड एटीन से ज्यादा इलीमेंट्स हैं ठीक है सो so, वो इलीमेंट्स के लिए केमिकल सिंबॉल है मतलब कि सभी इलीमेंट के लिए अलग अलग सिंबॉल्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं एक सिंपल में नेम बहुत बड़ा होता है तो उसके उसको रिप्लेस करके एक सिम्बॉल यूज़ करते जैसे सोडियम का एन ए है पोटेशियम का के है कैल्शियम का सी ए है हाइड्रोजन का हम एच यूज़ करते हैं कार्बन का के यूज़ करते हैं ऑक्सीजन का ओ यूज़ करते हैं ठीक है ठीके? तो इस तरीके से ये क्या है तो एक एलिमेंट को जो है हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल सिंबल से हम उसको क्या करते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं हाउ इज़ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट इन केमिस्ट्री सो केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट होते हैं बाजी सिंबल सिंबल का इस्तेमाल करके जैसे सोडियम का ये लिखता है अगर केमिकल रिएक्शन में उसका नेम लिखेंगे तो कितनी बड़ी केमिकल रिएक्शन हो जाएगी सो इसलिए सोडियम का पूरा नाम या फिर स्पेलिंग ना लिखते उसका हम सिंबल लिखते हैं दैट इज ये टू ठीक है एंड राउट डाउन द सिंबल ऑफ द एलिमेंट यू नो और आपको जो एलिमेंट्स पता है ना उसके सिंबल आप राइट डाउन करो ठीक है सोडियम का जैसे ऑक्सीजन का नॉर्मल नाइट्रोजन का हाइड्रोजन का हेलियम का लिथियम का ठीक है so, सो आपको क्या करना है सिंपल में राइट डाउन द सिंबॉल फॉर द फॉलोइंग इलिमेंट्स जैसे कि एंटीमनी ठीक है उसके बाद एक आयरन एंटीमिना के एंटीमनी जो है इसका आपको ढूंढना है ठीक है तो वो आपको मैं एक क्या करता हूँ तो एग्जांपल देता हूँ ठीक है होमवर्क है आपका सो एंटीमनी जो है वो आपको सॉल्व करना है उसके बाद जो आयरन है इसका जो सिंबल होता है ना वो होता है यफ गोल्ड जो होता है उसका सिंबल होता है ए उसके बाद जो सिल्वर होता है ना इसका जो ये होता है वो होता है सिंपल में जो है वो होता है ए ठीक है तो ये ए होता है सिल्वर मर्क्यूरी उसके बाद है लीड मर्क्यूरी का होता है एच जी देन लीड का होता है पी बी एंड सोडियम का होता है एन ए ठीक है तो ये क्या होते हैं सिम्बॉल्स होते हैं इसके सो so, सिंपल में एंटीमनी का आपको ढूंढना है ठीक है तो ये सिम्बॉल्स होते हैं सो so, अभी देखो सिम्बॉल्स कैसे आए क्या आया सो so, सबसे पहले देखो डाल्टन यूज सर्टन साइंस टू रिप्रेजेंट एलिमेंट जो डाल्टन है जो साइंटिस्ट था डाल्टन उन्होंने क्या किया एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ साइंस यूज़ किए फॉर एग्जाम्पल देखो पॉइंट में है फॉर हाइड्रोजन पॉइंट हाइड्रोजन उसके बाद सी लिखा फॉर कॉपर ओके सो ये डाल्टन ने यूज किए थे लेकिन टुडे वी यूज द सिंबल डिटरमाइन बाय आई ये आई क्या है ठीक है इसने क्या किया है सिम्बॉल्स को दिया है यह है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका लॉन्ग फॉर्म आपको ध्यान में रखना है आई इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री ये जो है इन्होंने सिम्बॉल्स दिया अभी हम उसको यूज़ करें जैसे कि सोडियम का एन सिल्वर का उसके बाद सिल्वर जो है वो ए गोल्ड का ए ठीक है एंड दीज आर द ऑफिशियल नेम्स एंड सिम्बॉल्स एंड आर यूज्ड ऑल ओवर वर्ल्ड और ये ऑफिशियल है ये सभी वर्ल्ड के अंदर यूज़ किए जाते हैं एंड द करंट मेथड सॉरी करंट मेथड ठीक है current method, sorry, current method, तो अभी जो करंट की मेथड है चूजिंग द केमिकल सिम्बॉल इज बेस्ड ऑन द मेथड इन्वेंट इन बाय बर्जेलिंग्स ओके सो जो बर्जेलियस है बर्जिलियस ये जो साइंटिस्ट है ना ये इन्होंने ये मेथड को क्या किया था रिप्रजेंट किया था और ये मेथड को हम अभी हम करंट यूज़ करते हैं ठीक है एंड अकॉर्डिंग टू तो आपको ध्यान में रखना है अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द सिम्बॉल्स ऑफ एन एलिमेंट इज ऐदर द फर्स्ट लेटर एक तो फर्स्ट लेटर होगा और द फर्स्ट एंड सेकंड लेटर और अनादर स्पेसिफिक लेटर यहाँ पर थ्री कंडीशन है सबसे पहले एक तो फर्स्ट लेटर होगा सिम्बॉल या फिर फर्स्ट एंड सेकंड दो लेटर होंगे या फिर अनादर स्पेसिफिक लेटर होगा सो so इसमें ही सिम्बॉल है किसी भी एलिमेंट का ओके एंड ऑफ दिस टू लेटर्स एंड द फर्स्ट इज रिटन इन कैपिटल लेकिन ध्यान में रखना है जो फर्स्ट वाला है वो कैपिटल में लिखना है एंड सेकंड इज स्मॉल और जो सेकंड वाला जो नेम है वो आपको स्मॉल में लिखना है जैसे कि सोडियम का यन आपको कैपिटल लिखना है ये है सोडियम का प्रॉपर सिंबल ये जो है आपको येन ऐसा नहीं लिखना है ठीक है उसके बाद पोटेशियम का जो के होता है पोटेशियम का वो कैपिस जो आपको कैपिटल लिखना है उसके बाद ए यू जो गोड होता है उसका ए जो है वो आपको स्मॉल नहीं लिखना है अगर स्मॉल लिखेंगे तो वो रॉन्ग होगा मतलब कि सिंबल लिखते समय जो स्टार्टिंग वर्ड है ना वो आपको कैपिटल लिखना है ठीक है यही बात आपको यहाँ पर सिंबल के अंदर ध्यान में रखनी है जो डाल्टन है उन्होंने साइंस यूज़ किए थे ऐसे उसके बाद सी लेकिन अभी टुडे जो है वो हम आई के अकॉर्डिंग अभी क्या करते हैं सिम्बॉल तो देते हैं और ये बर्जेलियस ये नाम के साइंटिस्ट ने इसको क्या इन्वेंट किया था ये जो है इन्वेंशन किया था इसका इन्होंने क्या किया सबसे पहले आप क्या करो एक तो स्टार्टिंग लेटर ले लो या फिर स्टार्टिंग का फर्स्ट ले लो या फिर स्टार्टिंग के दो लेटर ले लो या फिर कोई अदर लेटर ले लो ये थ्री इसके अंदर सिंबॉल दिए जाते हैं किसी भी एलिमेंट को ये आपको ध्यान में रखना है आगे देखो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट एंड कंपाउंड ठीक है तो मॉलिक्यूल्स तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है दो इलेमेंट से बनकर बना होता है मॉलिक्यूल्स ठीक है मतलब कि दो इलेमेंट जो है इलेमेंट प्लस इलेमेंट इससे बन गया मॉलिक्यूल्स ठीक है मतलब क्या सिंपल में इलेमेंट मिल जाएगा इलेमेंट में और इससे बन जाएगा मॉलिक्यूल इलेमेंट प्लस इलेमेंट इज इक्वल टू मॉलिक्यूल सो इलेमेंट जो है वो एटम से बनता है और मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर इलेमेंट से बनता है दो इलेमेंट कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनता है और दो मॉलिक्यूल कंबाइन होकर कंपाउंड बनता है ये आपको सिंपल में ध्यान में रखना है ठीक है

तो आप ध्यान में रखो यहाँ पर सिंपल में आपको समझ में आना चाहिए ये जो है कौन से ये नीवॉन ये हेलियम ठीक है तो वो क्या होते हैं तो सिंगल होते हैं सिंगल मोनो मोनोआइटमिक हम इसको बोलते हैं लेकिन जो हाइड्रोजन होता है वो डाएटमिक होता है जो उसको हम एच के फॉर्म में लिखते हैं ठीक है एच वो वो डाएटमिक होता है लेकिन जो नीवॉन है ठीक है एंड हेलियम है ये कैसे होते हैं ये मोनो एटमिक होते हैं ये दूसरे के ऊपर डिमेंड नहीं होते एंड समथिंग टू और मोर आइटम्स ऑफ द एलिमेंट कम्बाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दो क्या होते हैं सिंपल में देखो टू और मोर एटम्स ऑफ एन एलमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल दो आइटम एलिमेंट के जो है वो यहाँ पर बनते हैं मोर आइटम्स ऑफ एन इलीमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल बनता है ऑफ दैट इलीमेंट एंड सच ए इलीमेंट इज अ पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल स्टेट वो होते हैं पॉली एटोमिक सबसे पहला है मोनो एटोमिक जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता सिंगल होता है सेकेंड है पॉली एटोमिक जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है या फिर दो बहुत सारे यहाँ पर पॉली एटोमिक होता है वो ठीक है फॉर एग्जाम्पल द इलिमेंट ऑक्सीजन ओ टू नाइट्रोजन एन टू आर इन द डाटोमिक डायटोमिक मॉलिक्यूल स्टेट ओके सो यहाँ पर सिंपल में ध्यान में ये जो है ओ टू है मतलब दो मॉलिक्यूल दो है इसलिए डायाटोमिक रिस्पेक्टिवली नाइट्रोजन भी दो मॉलिक्यूल डाएटोमिक ठीक है एंड वेन आइटम्स ऑफ द डिफरेंट इलिमेंट कंबाइन विथ ईच अदर एंड द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड आर फॉर्म अगर डिफरेंट इलीमेंट के जो आइटम्स है वो कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ और मॉलिक्यूल अगर बन गया देन इन अदर वर्ड्स कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द केमिकल अट्रैक्शन बिटवीन द डिफरेंट इलीमेंट तो so सिंपल में आपको ध्यान में रखना है दो एटम के, बन के मतलब दो एटम क्या दो एटम जो है वो यहाँ पर एक दूसरे में मिल के जो एलिमेंट बनता है ठीक है सो अब देखेंगे मॉलिकुलर मास एंड द कंसेप्ट ऑफ मोल ठीक है मॉलिकुलर मास एंड उसकी कंसेप्ट देखेंगे सबसे पहले मॉलिकुलर मास द मॉलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज अ सम ऑफ द एटॉमिक ऑफ द ऑल द एटम्स इन अ सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस लाइक एटॉमिक मास मॉलिकुलर मास इज आल्सो एक्सप्रेस इन यूनिट डाल्टन ठीक है यहाँ पर आप आपको ध्यान में रखना है सबसे सब पहले क्या समझ के लेना है देखो द मोलिकूलर मॉस ऑफ सब्सटेंस इज सम ऑफ द एटमिक मासेस मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के इच में क्या जो मॉलिक्यूल है वो किससे बनता है इलीमेंट से बनता है ठीक है मॉलिक्यूल के अंदर मोर देन टू एटम्स होते हैं तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है सम आप करना है मासेस की ओके ऑफ ऑल आइटम्स जितने भी आइटम्स ये कंपाउंड के अंदर है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर है सॉरी जितने भी आइटम्स मॉलिक्यूल्स के अंदर है वो मॉलिक्यूल्स की एडिशन करनी है ठीक है सो जितने भी मॉलिक्यूल्स जो है सो so जित सो so जो ये मॉलिक्यूल है इसके अंदर जितने भी क्या है तो एटम्स है इसकी एटम की एडिशन करनी है आपको एटम के मास नंबर की और एटम के मास नंबर की एडिशन करेंगे तो सिंपल में हमारे मॉलिकुलर मास हमारा निकल के आएगा मतलब मॉलिक्यूल का मास बिकॉज मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे एटम होते हैं और ये सभी एटम का मॉलिकुलर मास की एडिशन करेंगे तो हमारे पास सिंपल में मॉलिकुलर मास निकल के आएगा और सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस लाइक एटमिक मास मॉलिकुलर मास इज एक्सप्रेस इन यूनिट डाल्टन डाल्टन इस यूनिट के अंदर वो एक्सप्रेस होते हैं ठीक है थीके? आपको ध्यान में रखना है मॉलिकूल मास ऑफ द सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटोमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ सिंगल मॉलिक्यूल एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स है उसकी एडिशन करनी है आपको एटोमिक मासेस की एटोमिक मासेस की ठीक है एटोमिक मासेस की एडिशन करेंगे एटम्स की जो कि उस मॉलिक्यूल में है तो आपको मॉलिकुलर मास उस मॉलिक्यूल का मास निकल के आएगा पूरा का पूरा एंड हाउ टू डिड्यूस द मॉलिकुलर मास ऑफ टू अभी बात आती है कि मॉलिकूल मास कैसे निकाले एच टू होगा ठीक है तो देखो नीचे दिया गया है कैसे निकाले सबसे पहले मॉलिक्यूल हमारे पास एच टू इसका कॉन्स्टिट्यूंट इलीमेंट तो है बोले तो यह दो इलीमेंट्स से बना है मॉलिक्यूल सो so, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं फर्स्ट में हाइड्रोजन देने ऑक्सीजन बिकॉज हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है अभी एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखो हाइड्रोजन का एक है और ऑक्सीजन का कितना है सिक्सटीन है ओके एंड नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल अभी इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन कितना है दो है इसलिए ए एच के नीचे कितना लिखा है दो लिखा है इसलिए यहाँ पर दो लिखेंगे और ये ऑक्सीजन जो है इसका एक है सिंपल में एक लिखेंगे ठीक है अभी ये एक मॉलिक्यूल है अभी ध्यान में रखो ये जो एक मॉलिक्यूल है ना इसको ये टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको सिक्सटीन को एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे मतलब जितना एटॉमिक मास उसको उसके मॉलिक्यूल के साथ ठीक है इसका एटॉमिक मास एक है और इसके दो आइटम दो मॉलिक्यूल है मतलब कि दो आइटम है सॉरी ओके सो हमारे पास निकल के आया दो ठीक है उसका मास ऑफ कंस्टिट्यूट और इधर निकल के आया सिक्सटी इंटू वन बिकॉज इसका एक ही मॉलिक्यूल है अगर दो मॉलिक्यूल होता तो इसको सिक्सटी इंटू टू करते सो सिक्सटी इंटू वन वो आ गया सिक्सटी और ये दोनों के एडिशन करेंगे तो टोटल निकल के आएगा एटीन मॉलिकुलर मास तो मॉलिकुलर आपको निकालना है तो उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने एलिमेंट है उसका मास आपको निकालना पड़ेगा और उस मास की एडिशन करनी पड़ेगी इस तरीके से हम हमारे पास निकल के आया हाइड्रोजन एच टू ओ हाइड्रोजन नहीं ये वाटर मॉलिक्यूल है ठीक है सो हाइड्रोजन का मास सिंपल में टू ही आएगा ऑक्सीजन का सिक्सटीन आएगा और ये दो हाइड्रोजन है इसलिए ये दो आया हाइड्रोजन का सिंपल में एक ही आएगा अगर दो हाइड्रोजन है तो दो आएगा इसका जो ऑक्सीजन है अगर सिंगल ऑक्सीजन है तो उसका सिक्सटीन आएगा और ये दोनों को मिला के हमारे पास एच टू ओ जो है ये एक मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल का मास हमारे पास निकल के आया मॉलिकुलर मास वो है एटीन देन मोलिकुलर मास इज इक्वल टू सम ऑफ ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ मतलब कि सिंपल में मॉलिकुलर मास ऑफ एस टू इसके मॉलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू टू प्लस एटमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू वन वन एंड टू क्यू बिकॉज इसके दो मॉलिकूल इसलिए इंटू टू एंड वन मोलिकुलर इसलिए इंटू वन सो ये so आप सिंपल में निकाल सकते हो मॉलिकुलर मास किसी भी सब्सटेंस का सो कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल सकते हो दैट इज सी ओ टू ठीक है उसके बाद ये ओ टू का निकाल सकते हो सो so इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके आप जो है सिंपल में मॉलिकुलर मास निकाल सकते हो जैसे कि मैंने हाइड्रोजन में यहाँ पर निकाल के दिया आप कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल सकते हो जो आपके लिए आपको करना है ठीक है निकाल के देखो आप सो सिंपल में यह है मॉलिकुलर मास देन आगे देखो नेक्स्ट अभी देखो इसके अंदर वेन क्या है तो वेन इलेमेंट एंड कंपाउंड टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन जब इलेमेंट एंड कंपाउंड दोनों भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेंगे इट इज़ देयर आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर रिएक्ट विद इच अदर उसके जो आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो जाएंगे एंड देर वाई इट इज़ नेसेसरी टू नो द नंबर ऑफ देयर आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और अभी वो जो है उसके नंबर ऑफ आइटम्स एंड मॉलीक्यूल्स रिएक्ट होंगे तो हमको मालूम होना चाहिए ना कितने मालिक्यूल्स उसके है, हैं आइटम्स के एन कितने आइटम्स के एन मॉलीक्यूल कितने हैं हाउ यू आर कैरिंग आउट अ केमिकल रिएक्शन इट इज़ अ कन्वीनियंट टू मेजर आउट क्वान्टिटीज़ दैट कैन भी हैंडल इंस्टेड ऑफ द काउंटिंग ऑफ द नंबर ऑफ द एंड मॉलिक्यूल्स तो क्या सिंपल में ध्यान में रखो इट इज़ कन्वीनियन टू मेज़र आपको जो है ईजी जाएगा क्या कन्वीएंट टू मेजर आउट क्वान्टिटीज़ दैट ऑफ द हैंडल इंस्टेड ऑफ काउंट नंबर नंबर हमको काउंट नहीं करना है कि, कि कितने मॉलिक्यूल्स इसके अंदर टेक पार्ट रहे ले रहे हैं कितने आइटम्स इसके अंदर टेक पार्ट कर रहे हैं हमको सिंपल में क्या करना है आउट Out, जो आउटपुट आएगा सिंपल में जो प्रोडक्ट आएगा वही सिंपल में आपको क्वांटिटी देगा ठीक है मतलब कि आपको क्वांटिटी पे फोकस करना है ओके क्वांटिटी आपको देखनी है आपको कितने नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मतलब कि टेक पार्ट कर रहे वो आपको ध्यान में नहीं रखना है आपको सिंपल में इसकी क्वांटिटीज को ध्यान में रखना है ठीक है एंड यही कंसेप्ट है मोल का एंड इज़ यूजफुल फॉर दिस पर्पस, और ये पर्पस के लिए मतलब कि सिंपल में जो है हम कितना मतलब केमिकल रिएक्शन जब होगा दो जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के अंदर जो रिएक्शन होगा उसके अंदर तब क्या होता है तो उसके अंदर एटम्स एंड मोलिक्यूल दोनों पार्ट लेते हैं अभी वो कितने एल्यू आइटम्स ने एंड कितने मॉलिक्यूल्स ने पार्ट लिया है ऐसा आप जो है उसको नहीं करो मतलब कि उसके पीछे मत भागो आपको सिंपल में ध्यान में रखना है कि कितना क्वांटिटी मिला है ठीक है और वो कितनी क्वांटिटी मतलब कि मोल कंसेप्ट होता है ओके एंड अभी देखो मोल कंसेप्ट के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है द मोल इज द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस कैसा हुज मास इज ग्राम्स हुज मास इन ग्राम्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड टू द मॉलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस इन डाल्टन ठीक है मोल इज अ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस ये क्या है तो सब्सटेंस की एक क्वान्टिटी है एंड हुज मास इन ग्राम सो इसका ग्राम के अंदर का मास जो इक्वल है इन मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड बोलो तो उसके सरी का मैग्नीट्यूड के अंदर बोलो तो नंबर के अंदर सो so, उसका जो ग्राम का मास है ग्राम के अंदर का वो इक्वल है टू मॉलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस इन डाल्टन मतलब जितना डाल्टन के अंदर ठीक है डाल्टन क्या है तो सिंपल में ध्यान में रखना है उसको यूनिट है ठीक है क्या है तो ये एक यूनिट है ठीक है so, सो जितना मास डाल्टन के अंदर है ना उतना ही ग्राम्स के अंदर अगर है तो उसको हम बोलेंगे मोल ये है क्या है तो मोल क्वांटिटी है सब्सटेंस की सो अ मोल दैट क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस मोल इज दैट ऑफ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम जितना मास जो है ग्राम के अंदर इक्वल है उतना ही उसका जो है वो डाल्टन के अंदर उसका मास है उसको हम बोलेंगे मोलार क्वांटिटी ठीक है देन दस द मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज अभी सिंपल में ध्यान में रखो मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है थर्टी टू है ठीक है समझ में आ गया थर्टी टू क्या है तो मोलिकुलर मास अभी देर फोर थर्टी टू ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज वन मोल ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज इसका मॉलिकुलर मास कितना है थर्टी टू और थर्टी टू ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अगर लेके आया तो वो हो गया वन मोल ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज इसका थर्टी टू ग्राम क्या है तो इसका क्या है ऑक्सीजन का क्या है मोलिकुलर मास है अभी थर्टी टू ग्राम का अगर ऑक्सीजन ले आए तो इसके अंदर थर्टी टू ग्राम के क्या रहेंगे एक ही ऑक्सीजन का ये पूरा का पूरा मटेरियल है इसलिए इसको हम बोलेंगे वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड द मोलिकुलर मास ऑफ वाटर अभी मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर इज़ एटीन क्या है तो सिंपल में यू है बोले तो क्या है तो सिंपल में मॉलिकुलर मास है ठीक है सो एटीन देअ फोर एटीन ग्राम वाटर टेक और मेक वन मोल ऑफ वाटर ठीक है मतलब कि वाटर का क्या है तो एटीन जो उसका मॉलिकुलर क्या है तो फॉर्मूला है ठीक है मॉलिकुलर मास है एटीन जो है वो मॉलिकुलर मास है वाटर का जो कि हमने पहले निकाला था यश टू ओ का निकाला था ना पहले वो किसका है जो है वाटर का मॉलिकुलर मास कितना है वो है एटीन और अगर हमने एटीन ग्राम का वाटर लिया एटीन ऐसा वाटर लिया जिसका जो ग्राम के अंदर उसको मेजर किया तो एटीन भर रहा है मतलब कि वन मोल ऑफ वाटर है बिकॉज जो वाटर का मॉलिकुलर मास है वो है एटीन अगर ओके okay, अगर इधर थर्टी सिक्स अगर ग्राम ले लिया हमने क्या लिया थर्टी सिक्स ग्राम का वाटर ले लिया थर्टी सिक्स जो गाय सॉरी सिंपल में ध्यान में रखो यहाँ पर थर्टी सिक्स ग्राम का अगर वाटर ले लिया ठीक है थर्टी सिक्स ग्राम का वाटर तो कितने मोल का वाटर होगा तो सिंपल में एटीन जो यहाँ पर मॉलिकुलर मास है इसका वन होता है और ये थर्टी सिक्स एटीन के डबल है बोलो तो ये होगा दो मोल ऑफ वाटर ठीक है मुझे लगता है कि आपको अब समझ में आ गया होगा ठीक है तो यह है हमारी मोल कंसेप्ट आगे देखो नेक्स्ट में अब इसका जो फॉर्मूला देखो वन मोल ऑफ कंपाउंड इज द क्या है मास ऑफ द सब्सटेंस इन अ ग्राम ओके इक्वल टू मैग्नीट्यूड टू इट्स मॉलिकुलर मास एंड एसआई यूनिट इज मोल उसका एसआई यूनिट क्या होता है मोल होता है एंड नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट करने हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर तो मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम ग्राम के अंदर उसका मास कितना है वो एंड मॉलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस और मॉलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस अगर ग्राम के अंदर हमने देखा था कि जो मास है सब्सटेंस ऑफ ग्राम ठीक है सिंपल में हम ध्यान में रखेंगे यहाँ पर सिंपल में अगर वो एटीन है ये क्या है तो वाटर के अंदर एटीन है एंड मोलिकुलर मास भी वाटर का कितना है एटीन है अभी हमारे पास क्या है तो सिंपल में हमारे पास है एटीन ग्राम का वाटर एटीन ग्राम हमने वाटर लिया है और मॉलिकुलर मास है वाटर का एटीन ठीक है एटीन है तो ये एटीन इंटू मतलब एटीन वन का एटीन ठीक है मतलब कि सिंपल में हमारे पास आ गया वन ओके वन है वन ग्राम ऑफ हमारे पास वन मोल ऑफ वाटर आए ठीक है थीके? तो एटीन अगर थर्टी सिक्स है मतलब सिंपल में ऊपर में रख देंगे हम थर्टी सिक्स ग्राम का हमारे पास वाटर है ठीक है तो ये ग्राम लिख जैसे छोटा लिखूंगा ठीक है तो आपको समझ में आएगा ये ग्राम है नाइन नहीं है ठीक है तो ये है थर्टी सिक्स ग्राम का जो है हमारे पास क्या है तो ये जो है सब्सटेंस है ठीक है सब्सटेंस मिल गया हमको मास और जो वाटर है उसका मॉलिकुलर मास होता है सिंपल में कितना होता है एटीन होता है ठीक है तो एटीन इन ओके ये टू हो जाएगा मतलब कि ये हो जाएगा दो मोल का सब वाटर हमारे पास है तो इस तरीके से आप मोल निकाल सकते हो किसी भी सब्सटेंस का ऊपर में आपको लगना है लिखना है कि आपको कितना वो वैल्यू है ग्राम के अंदर ठीक है ऊपर में ग्राम के अंदर लिखेंगे और नीचे उसका मॉलिकुलर मास लिखेंगे जितना भी है उतना और जो आपके पास कैलकुलेट करके निकल के आएगा वो होगा मोल ठीक है तो यहाँ पर हमारा जो पार्ट थ्री वो खत्म होता है सो तो इजी वे के अंदर हमको मैंने जो आपको पढ़ाया और आपकी जो चैप्टर है उसको नोट्स के अंदर ट्रांसफर किया है ओके जिससे क्या होगा तो आपका जो टॉपिक है वो क्लियर होगा एंड आपका जो मतलब कंसंट्रेशन रहेगा उस टॉपिक के ऊपर बिकॉज जो पढ़ना है वही आपको दिखेगा हालांकि जो बुक है उसके अंदर बहुत सारे एक पेज के ऊपर टॉपिक दिए जाते हैं लेकिन यहाँ पर हम एक पेज के ऊपर एक ही टॉपिक लेते हैं ठीक है तो मिलतेगा इस नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे मोटिवेट थैंक यू सो मच